कार्य समिति की बैठक से कुछ ही दिन पहले पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिखी गई बगावती तेवरों वाली चिट्ठी के चलते राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का बड़ा बयान सामने आ गया है। इस बयान में अहमद पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कई बातें कही हैं और साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई गैर गांधी भी पार्टी का अध्यक्ष चुना जा सकता है। अहमद पटेल ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और कोई गैर गांधी भी चुनाव जीतकर पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। अगस्त 2019 में सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस कार्य समिति से कहा था किसी गैर गांधी को अध्यक्ष चुन लें और जिस किसी साथी को भी अध्यक्ष चुना जाएगा वो एकजुट होकर कार्य करे। जो 23 नेताओं ने बगावती चिट्ठी लिखी है उस पर अहमद पटेल ने कहा, चिट्ठी लिखना पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस चिट्ठी में वाजिब समस्या उठाई गई है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे संसदीय बोर्ड, संवेदनशील मामलों पर लोगों से विचार विमर्श करना। जो व्यवस्था है उसमें सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी और एक व्यवस्था बनाई जाएगी जो सोनिया गांधी की मदद करेगी। चिट्ठी में कई बातें एक दूसरे की विरोधाभासी हैं, जैसे एक जगह इस लीडरशिप को ग्रेट कहा गया, दूसरी जगह सामूहिक लीडरशिप की बात की गई। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पुनः अध्यक्ष पद संभालें, इसका समर्थन CWC सदस्यों ने किया। मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष को भी मतभेदों को सुलझाने का अनुभव है और उन्होंने नए विचारों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। कांग्रेस कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति पर नजर रखे हुए है, जैसे ही हालात ठीक होते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC का अधिवेशन बुलाकर चुनाव कराया जाएगा। उस समय में गांधी या गैर गांधी जिन्हें अधिक वोट मिलेंगे वही अध्यक्ष बनेगा। आपको बता दें, पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं सहित 20 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस में नेतृत्व में बदलाव की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी जो सोशल मीडिया पर लीक हो गई। चिट्ठी सामने आते ही कांग्रेस में तूफान मच गया। फिलहाल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद अंतिम फैसला ये लिया गया है, सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।